सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने वीडियो में थंबनेल लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं, अगर लगाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और साथ साथ YT स्टूडियो क्या है और इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस मैं हूं नाजू और स्वागत है आपको स्टार क्रिएटर्स चैनल पर। सो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप एक यूट्यूबर है या यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम परफेक्ट तरीके से आपको बताने वाले हैं कि YT स्टूडियो है क्या और इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो थंबनेल आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिएगा इस थंबनेल लगाने के लिए आपको YT स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे भी आप क्रोम में जाके भी आप लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है YT स्टूडियो। तो मैं बता देता हूं YT स्टूडियो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने वीडियो में थंबनेल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना चैनल को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप वेरीफाई नहीं किया है, अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो इस वीडियो के ऊपर में एक आई बटन है, वहां पर जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में आपको सिखाया गया है चैनल वेरीफाई किस तरीके से करते हैं। सो इस YT स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जा सकते हैं प्ले स्टोर में, वहां पर जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा सिंपली YT स्टूडियो, YT STUDIO स्टूडियो। तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबसे पहले इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि हमने डाउनलोड कर लिया है सबसे पहले, इसलिए हमारा जो है यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। तो जब आपका ये ऐप्स डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा ओपन, तो आपको सिंपली यहाँ पर ओपन करना पड़ता है, और जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये मेरा जो है जिस चैनल से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यही मेरा चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अभी सब्सक्राइब जो है ऊपर में दिखा रहा है 373 है, और नीचे आपको बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन देखने को मिल जाता है और बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि थंबनेल आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं सबसे पहले आप अपलोड कर लीजिए, उसका टैग सॉरी उसका जो टाइटल है और जो डिस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले आप डाल दीजिए। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तब वहां पर आपको शो हो जाएगा, वहां पर आप लिख देना। इसके बाद जब आप वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब में या हो गया है, उसके बाद आपको सिंपली जाना होता है YT स्टूडियो के अंदर। तो इस तरीके से जब आप आ जाएंगे तो आपके सामने जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं यहां पर आपको ये वीडियो दिखाया जाएगा। यहां पर आप नीचे जाएंगे तो और भी अगर आपका पुराना कुछ वीडियो है तो आपको इससे के नीचे दिखाया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे अगर आप दो चार दिन इसको देखेंगे ओपन करेंगे तो आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। सो गाइस आप जिस वीडियो में थंबनेल लगाना चाहते हैं नॉर्मली उस वीडियो को आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। अगर आप कोई पुराना वीडियो आपने YouTube में बहुत पहले अपलोड किए थे उसका थंबनेल अभी तक आपने नहीं लगाया तो उसका भी लगा सकते हैं। जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं आधा हुआ है अभी भी आधा बाकी है, उसमें भी आप थंबनेल यहां से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिस वीडियो में हमें थंबनेल लगाना है उसको ओपन कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को हमने अपलोड किया है लेकिन अभी तक इसका थंबनेल हमने नहीं लगाया। तो सबसे पहले इस वीडियो को मुझे ओपन कर लेना पड़ेगा, इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो नॉर्मली मुझे करना क्या है, ऊपर में राइट कॉर्नर पर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आपको फिर से जाना है, और जब जाएंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पेज ओपन हो गया है। यहां पर लिखा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, प्राइवेसी, प्लेलिस्ट, यहाँ पर से आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें करना है थंबनेल, तो थंबनेल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एडिट थंबनेल। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज आ जाएगा। और गाइज अगर आपने पहले से ही अपना थंबनेल बना के रखे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और गाइज अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो मुझे आप कॉमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, सिखा दूंगा कि कितने नॉर्मल तरीके से आप अपना वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। सो गाइज मुझे अभी जाना है कस्टम थंबनेल, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर का जाएंगे तो आपका गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं मेरा गैलरी ओपन हो चुका है। और गाइस मुझे जो थंबनेल यहाँ पर लगाना है वहाँ यहाँ पर से हम मुझे सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ये है हमारा थंबनेल। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आ गया है आप देख सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, ऊपर राइट कॉर्नर पे फिर से आप देख सकते हैं सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको वहीं पर ही आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर से सेव कर लेना पड़ेगा। और जब सेव कर लेंगे तो आपका फोटो जो है मतलब कि जो भी थंबनेल है आपके वीडियो में आ जाएगा। सो अभी अगर आप किसी दूसरे मोबाइल से आप सर्च करके या आपके मोबाइल से सर्च करके देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आपके वीडियो में थंबनेल लग गया है। तो इसलिए अब बताते हैं कि YT स्टूडियो के अंदर आपको क्या-क्या यहां पर से सीखने को मिल सकते हैं, क्या-क्या जानकारी आपको मिल सकता है। तो नॉर्मली आपको अभी क्या करना क्या है, यहां पर आप बैक जो आपका मोबाइल का बैक ऑप्शन है वहां से भी बैक कर सकते हैं, नहीं तो यहां से भी आप बैक कर सकते हैं, बैक कर लिए। यहां पर जो है हमारा बैक ऑप्शन पे आ गए हैं। यहां पर आपको टोटली जो भी व्यूज है, जो भी आपका वीडियो है, जो भी आपका कमेंट है, यहां पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर में जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो है व्यू मोर। तो व्यू मोर के अंदर अगर जाएंगे तो यहां पर से आपको पता चल जाता है कि आपका कितना व्यूज मिला है, टोटल आपका जो भी चैनल में वीडियो है उसका टोटल व्यूज कितना मिला है, कितने टाइम के अंदर मिला है, कौन कौन लोग देख रहा है, कितने उम्र का लोग देख रहा है, कहां कौन से देश में आपका वीडियो देखा जा रहा है, सब कुछ यहां से आप जानकारी ले सकते हैं। आपका कौन सा टैग काम कर रहा है, कौन सा वीडियो ज्यादा सबसे ज्यादा चल रहा है, यहां से सब कुछ आप जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है 40 आवर्स
48 आवर्स के अंदर आपका कितना व्यूज मिल रहा है। तो हमारा जो है व्यूज 1100 मिला है, तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहां से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और सबसे ऊपर में देखिए यहां पर लिखा हुआ है रियल टाइम 48 आवर्स, तो इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लास्ट 7 डे, लास्ट 28 डेज, लास्ट 90 डे, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप दिसंबर का देखना चाहते हैं, दिसंबर में आपको कितना व्यूज मिला है, नवंबर में, अक्टूबर, सितंबर, आप जो भी महीने का देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। या अगर आप रियल टाइम 60 मिनट के अंदर देखना चाहते हैं तो 60 मिनट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो 60 मिनट के अंदर आपको कितना व्यूज मिला है, मुझे टोटल वाइज व्यूज मिला है यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप भी इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका चैनल का टोटल व्यूज कितना मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, कितने टाइम के अंदर मिल रहा है। चलिए इसको बैक कर लेते हैं, बैक करेंगे तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा चल रहा है 48 आवर्स के अंदर। और भी नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा वॉच टाइम, टोटल वॉच टाइम 28 दिन के अंदर कितना मिल रहा है। इसके अंदर जाएंगे जैसे कि हमने बताया ऊपर में लास्ट 28 दिया गया है, यहां से आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं कितने दिन के अंदर या कितने महीने के अंदर कितना व्यूज मिल रहा है। चलिए बैक कर लेते हैं, नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सब्सक्राइब, नीचे और भी जाएंगे तो लाइक डिसलाइक आपको देखने को मिल जाएगा, और भी नीचे आएंगे तो आपको टॉप वीडियो आपके चैनल में सबसे ज्यादा कौन सा वीडियो देखा जा रहा है वो भी आपको यहां पर से देखने को मिल जाएगा। और अगर आप डिस्कवरी में जाएंगे मतलब कि यहां पर, तो यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलता है, जानकारी मिलता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है टॉप यूट्यूब सर्च टाइम, मतलब यूट्यूब में सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाता है। और ये अपने अपने वीडियो में आप काम कर सकते हैं, इसको अपने वीडियो में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे वो ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाता है टॉप वीडियो सजेस्टेड इन ईयर कॉन्टेंट, यहाँ पर आपका वीडियो कौन से वीडियो के नीचे सजेस्टेड में आ रहा है इसका भी आपको पता लग जाता है। ये भी आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही फायदा आप यहाँ से आपको मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितना लोग आपका वीडियो देख रहा है, मेल कितना परसेंट देख रहा है। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो वीडियो है ये मेरा मेल देख रहा है 91.6% और फीमेल देख रहा है 8.4%। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एज, कितनी उम्र का लोग आपका वीडियो देख रहा है, ये भी आपको यहां पर से परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। और टॉप कंट्रीज, कौन से देश में आपका वीडियो ज्यादा देख रहा है, यहां पर भी उसका परसेंटेज आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि मेरा चल रहा है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अरब के आसपास में चल रहा है, ठीक है। और भी बहुत कुछ यहां से आपको जानकारी मिल जाएगा। अभी ये चैनल मेरा नया है इसलिए कुछ और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी जब 1000 सब्सक्राइब क्रॉस हो जाएगा या मोनेटाइजेशन हो जाएगा तब दिखाया जाएगा। सो गाइस ये था आज के वीडियो, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस चैनल में कुछ नया नया जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी चालू कर लेना। सो गाइस चलिए आज इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।